कानून के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग को कि जो वोटिंग मशीन है उसके अंदर एक इस तरीके का बटन भी लगाया जाए कि हम जो है उपरोक्त नेताओं को, जो उपरोक्त जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद विषय ये था, पैनल चूंकि हमारे पास बहुत बड़ा है, अब मुझे आ रहे हैं आपके पास, हम आ रहे हैं आपके पास, सुभाष कात्याल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के वरिष्ठ नेताओं में शुमार है कात्याल साहब, वेदपाल तंवर साहब हमारे साथ हैं। के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, ठीक है, लेकिन वो सब ठीक कर देंगे आप मोदी जी के आने के बाद, कटारिया साहब उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आराम से सो जाइए। वेदपाल तंवर साहब भी हमारे साथ हैं, आप संयोजक हैं सर्व समाज संघर्ष समिति के, 5 साल और सो गए तो देश गुलाम हो जाएगा, देश गुलाम नहीं, अगर ये आए तो गुलाम हो जाएगा, गुलाम तो उस तरीके से कगार पे है। वेदपाल तंवर साहब हो रहे हैं, आप संयोजक हैं, 5 साल इस देश में परिवर्तन आपके बहुत सारे मुद्दे, चौटाला साहब बहुत सारे मुद्दे जिन पर हम आगे बातचीत करेंगे, चाय को नहीं छुपाया जा, देश की समस्याओं का हल होगा, जो हाथ करो यही हल होगा, कांग्रेस यही देश को बिखराव की ओर भेजा है। ठीक है, वेदपाल तंवर साहब आप संयोजक हैं सर्व समाज संघर्ष समिति के, समाज के अलग अलग तबकों को जोड़ने का काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए आप लड़ने का काम करते हैं, इस अधिकार के लिए आपने कभी लड़ाई नहीं की, अलग बात है, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये आपको कैसा लग रहा है, इससे हम आने वाले दिनों में क्या परिवर्तन देखेंगे? रघुनंदन जी मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सारा दिन में आज खुशी की लहर दौड़ गई है, नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, हर तबके के लोग इतने खुश हैं, विशेषकर शरीफ आदमी, भले आदमी देश के खुशी मना रहे हैं, कितना बढ़िया फैसला सुप्रीम कोर्ट लाया है जी। ये कांग्रेस पार्टी या रूलिंग पार्टी कोई लालच करती थी, ये अगर मगर की राजनीति करते, ये देखेंगे करेंगे यही काम करना था, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लाके देश में तहलका मचा दिया है, सारे लोग बहुत खुश हैं। ठीक है तंवर साहब, माननीय ये बात क्यों भूलते हो कि नकवी जी ने अभी कहा है हम देखेंगे पढ़ेंगे, सुनना सीख ले। ठीक है तंवर साहब, हाँ, मैं माननीय सचिवालय का अपने हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। आज तक जो व्यवस्था रही, पॉलिटिकल पार्टियों एक एक परिवार की पार्टियां हो गई हैं, सोनिया जी के घर की पार्टी है, अलग अलग पार्टियां, उन पार्टियों में कोई ऐसे लोग नहीं है ताकि कोई डेमोक्रेसी की बात करें। पहले तो कोई कैंडिडेट जाता है तो सबसे पहले सिद्धांत और जमीर वही मर जाती है कि वो नमस्ते करता हुआ घूमता है, अगर पार्टी के इस कांग्रेस में जाए तो 10 जन पक्ष, अगर कोई थोड़ी सी बात गड़बड़ होगी तो वह टिकट नहीं मिलेगी, पहले तो सिद्धांतवादी ऐसे लोगों को आज इससे जो फायदा होगा, जो चरित्रवान लोग हैं वो आगे आएंगे, चरित्रवान को चरित्र की पूजा होगी, चित्र की नहीं होगी, आजकल चरित्र चित्र कोई दिखाते हैं, चरित्र कैसा दिखाते हैं, इसलिए आगे से जो ये फैसला आया है माननीय सर्वोच्च ने दिया है, लोग अपना असली अधिकार आजादी के बाद अब की बार लागू करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और देश के लोग, मैं तो ये कहता हूं कि पार्टी अपनी अपनी बापोती समझी हुई है, जो पार्टी से थोड़ा सा भी बागी बोलता है उसी को पार्टी से निकाल दिया जाता है, उसी की आवाज बंद कर दी जाती है, या कोई बात सच्ची नहीं कह सकता हम, पार्टी हम पार्टियों के सिस्टम पर बात नहीं कर रहे, किस पार्टी में क्या सिस्टम है हम इस पर बात नहीं कर रहे, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है इसके कितने दूरगामी परिणाम होंगे, इसकी क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हमारे सामने आएगी। खैर कोई बात नहीं, आप रहे हमारे साथ दिग्विजय चौटाला साहब, क्या कोई नहीं विकल्प जुड़वाने का एक और अर्थ ये नहीं है कि अब दागी नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ये संदेश बड़े सख्त लहजे में देना चाहता है, इसमें गलत क्या है? मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छे परिणाम होंगे, आप लोग पीछे देख रहे हैं कि घोड़ा गदा दाल चल रहा है, घोड़ा घास के लिए तस रहा है, अच्छे लोग नहीं आ रहे, बुरे लोग जा रहे हैं राजनीति, ठीक है, सब लोगों की व्यवस्था बात जी। जी, ठीक है तंवर साहब, ठीक है जी, चौटाला साहब आपने बहुत अच्छा कहा कि दागी नहीं होंगे, तो उसी दिशा की तरफ तो हम जाना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक सिस्टम है उसके अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके अंदर दागी लोग खत्म हो, क्रिमिनल्स लोग, क्रिमिनल्स जो है वो खत्म हो, अच्छे लोग आगे आए, उभर करके आए, नौजवानों को मौका मिले, नई जनरेशन को मौका मिले, और उसी की तरफ बड़ा फ्रूटफुल जो है ये कदम है, और ऐसे कई और कदम उठाने आज जरूरी हैं जिनको हम सब बैठ करके समझ रहे हैं, और जिस दिन वो भी उठाए जाएंगे तो हमारा देश, इसका मतलब ये है आज चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सरकारें कर रही है, नहीं कर रही है, अच्छी बात, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं कि यह है कि कुछ अच्छा हुआ है,
दिग्विजय आप सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आएंगे उसको पूर्णतः पालन करेंगे अपनी सिर माथे लगा करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चौधरी साहब क्या कोई नहीं विकल्प का खुद एक जो वकालत कर करके आया हूं और मुझे पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जब आपके कोर्ट्स का क्या महत्व होता है और जो एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरमाथे नहीं लगाएंगे उसकी पालना नहीं करेंगे तो देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रहेगी। पहले किया गया, पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जो है ऑर्डिनेंस ला करके ये सारा किया है तो ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये गलत है, ये गलत है। तो फिर ऑर्डिनेंस के बारे में आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी में हजारे जी जैसे लोग जुलाई में जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, इसीलिए रामदेव जी अगस्त में लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, इसलिए इस देश के अंदर आज ऐसा माहौल है। अब कांग्रेस ने गलत किया है तो उसका खामियाजा कांग्रेस क्यों ना उठते। मैं हैरान हूँ रामदेव वहां से आप कहां जा रहे हैं, आप रामदेव जी को कहां बीच में ले आए, आप यही तक नहीं आप इधर सिर्फ जा रही है, सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा हूं। चौटाला जी दरअसल बात ही है, आज अगर हम इस इलेक्शन रिफॉर्म्स की बारे में करें जो आज ये सबसे बड़ा आया है राइट टू रिजेक्ट वाला, अगर इसी टॉप मुद्दे पर रहे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर हम राजनीतिक पार्टियों को या इधर अब देखिए आज जो है आपने कहा, आज चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ सारी जो इतनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट की ये जो अब आई है भावना जो है इसको मद्देनजर रखते हुए अब सबको जो है मिलकर के कुछ इस तरीके के कानून बनाने चाहिए जिससे कि राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल जैसी जो राइट टू रिजेक्ट राइट टू रिकॉल में तब्दील हो सके। ठीक है, और ये ओपी कटारिया साहब हमारे साथ जो काम करेगा इलेक्शन कमीशन जो अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट कटारिया साहब एक बात सुनिए, आपका देश का प्रधानमंत्री ऑर्डिनेंस लाता है, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस ऑर्डिनेंस के आगे सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो हमें एक मिनट समझना होगा। आप सर ये क्यों भूलते हो कि जुलाई में आया ऑर्डर, देखिए आगे बातचीत करेंगे, आगे बातचीत करेंगे हम राहुल गांधी पर, अब मेरी बात पूरी हो रही है। एक मिनट, प्रधानमंत्री उस पर बयान भी आने कोर्ट पर आने वाले हैं, सारी पार्टियों ने एक मत होकर के जुलाई में आ रहा है, अगस्त में सब ने कह दिया नहीं हो सकता, और सितंबर में सभी पार्टियां इस निर्णय का सम्मान क्यों नहीं करती, कोई भी नहीं बोलने को ऐसा है। ऑर्डिनेंस जो गाड़ी चलाता है ऑर्डिनेंस के खिलाफ राहुल गांधी का बोलना मोड़ता नहीं पता होता है, टैक्टिक्स है वो, हम अच्छी तरह और इस देश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप पार्टी को और सरकार को अलग अलग दिशा में लेकर के जा रहे हैं, इस देश को बरगला रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, आपके आपके बोल रहे हो, आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हो, किसी भी अध्यादेश पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस देश के लोग भ्रमित होने वाले नहीं है। देखिए देश की हालात को जाने आम आदमी पार्टी के नेता ओपी कटारिया साहब हमारे साथ, आप भाजपा से ज्यादा कोई भ्रमित करने वाला चौधरी साहब आ रहे हैं, चौधरी साहब भाजपा हमारा दल नहीं है। ओपी कटारिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। ओपी कटारिया साहब, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नजरिए से देख रहे हैं कि आपराधिक या गलत छवि के कैंडिडेट को रोकना। मैं गुड़गांव में एक एनजीओ चलाता हूं मतदाता जागरूक मंच के नाम से, और मैंने गुड़गांव के एनसीआर गुड़गांव में करीब 35,000 फर्जी वोटर आईडी कार्ड पकड़े। ठीक है, और पकड़ के हमने उसको एक एक दो कैंडिडेट हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और एक कांग्रेस के उम्मीदवार श्री धर्मवीर गाबा ने इस मुद्दे को उठाया और पंजाब हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की। उस इलेक्शन पिटीशन जो फाइल की उसमें जो डिफरेंस आया, सवाल ये नहीं है कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसला के स्वागत के योग्य है, लेकिन मैं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा जो दस्तावेज निकल के आए हैं जो पंजाब हाई कोर्ट में आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि ये सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, और उस सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन फाइट कराता है और एक पोलिंग अधिकारी जो इलेक्शन से पहले की रूम में वोटर लिस्ट लेके बैठता है, तो उस वोटर लिस्ट में और प्रिजाइडिंग अफसर की लिस्ट में एक बूथ का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बूथ नंबर 2 पर और बूथ नंबर 2 का जो 17 फॉर्म होता है जिसके द्वारा वोट पोलिंग की जाती है। ठीक है, और उसमें उस जो पोलिंग करने के लिए मतदान करने के लिए जो व्यक्ति जाता है तो उसमें उसमें ये लिखा जाता है भाई इस आदमी ने किस किस आईडी से वोट पोल की है,
तो उसमें जो डिफरेंस आया है प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर की लिस्ट में, कटारिया साहब संक्षेप में ये उदाहरण किस लिए, गुड़गांव के नजदीक है 222 वोटों का फर्क आया है। ठीक है, ये बात आपकी मान ली कि हमारी जो भ्रष्टाचार प्रणाली है इसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर और जो पोलिंग अफसर की मिली भगत, कटारिया साहब हम विषय से भटक जाएंगे। इस तरह के हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कितना दूरगामी साबित होगा, क्या सरकार इस पर भी अध्यादेश ले आएगी, इसे लागू नहीं होने देगी, अगर ये लागू होगा तो हमारी राजनीति में कितने परिवर्तन आएंगे, राजनीतिक दलों ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है अगर डेमोक्रेसी में तो वो आपकी वोट का कंपल्शन है, अगर आप वोट कंपल्सरी होगा और हर एक इंडिविजुअल वोट डालेगा तो मेरे हिसाब से राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल की भूमिका भी और बढ़ जाएगी इस सिस्टम में। इसके बाद आप देखिए इसके बाद पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगी। गुजरात सरकार ने वो लोग बड़ा साहब कह रहे हैं कि लोग जो कंपल्सरी करना थे वो नहीं आते थे, वोट डालना कंपल्सरी करना होगा। लेकिन हम कटारिया साहब से रिएक्शन ले लेते हैं। कटारिया साहब, हाँ जी, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, अन्ना आंदोलन में इस तरह की कई आवाजें हम लोगों ने देखी थी, किस तरह से आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को?